Oh yeah. गुड इवनिंग एवरीवन, एसके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? नमस्ते भाई सुमित कुमार, तो अपनी ये जो क्लास है, ये जो हमारा एसके का जो लाइव ऐप है उसके ऊपर भी आपको मिलेगी, और आपके जो एसके क्लासेस का यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आपको ये मिल रही है आज। तो देखिए, हम हरियाणा कर रहे हैं तो हमारा जो बैच चल रहा था उसमें ही हमारी जो क्लास थी वो आज मैंने यूट्यूब पे भी लाइव कर दी है और ऐप के ऊपर भी। तो कैसे हैं सभी लोग? सभी को नमस्ते भाई। तो देखिएगा, हम कर रहे हैं तो जो ऐप से बच्चे जुड़े हुए हैं वो हमने वहां पे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कर लिया था, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू कर रहे थे वहां पे, और आगे हम करते हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हम करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा यमुनानगर, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो ये जिले का रूप में कब आया था? यमुनानगर जो जिला है इसका गठन कब हुआ, यानी कि जिला कब बना था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, गठन कब हुआ? तो जल्दी से आंसर करें, यमुनानगर जिले का गठन कब हुआ? कौन कौन बताएगा कि यमुनानगर जिला है वो बना कब था? जो लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने जो साथी हैं, तो उनको भी पता चले कि हमारी जो क्लास है वो लाइव चल रही है तो वो भी इसको देख पाएंगे। तो यमुनानगर जिला कब बना था? 1989, ओके 1989। और किसी का आंसर? तो देखिए, यमुनानगर जिले का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो हम बात करें 1st of November 1989, 1st of November 1989 को हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बनता है कौन सा? यमुनानगर। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में चार जिलों का गठन होता है, और वो चार जिले थे कौन कौन से? यमुनानगर था एक, पानीपत दो, रेवाड़ी तीन, और कैथल आपका चौथा डिस्ट्रिक्ट था। तो 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर का गठन हुआ, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अंबाला डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया, यानी कि इसको कब, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, 1989, बहुत बढ़िया भाई। तो 1 नवंबर 1989 को इसको अंबाला से अलग करके नया जिला बना दिया,
हम बात करें यमुनानगर जिले के ओल्ड नेम की, हम बात करें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के ओल्ड नेम की, तो यमुनानगर जिले का पुराना नाम क्या है? आपको आंसर करना है फिर। अब्दुल्लापुर। यमुनानगर जिले का पुराना नाम क्या है? तो आपका आंसर रहेगा फिर अब्दुल्लापुर। इसका प्राचीन नाम रहा है अब्दुल्लापुर, इसका प्राचीन नाम रहा है। यमुनानगर क्यों पड़ा? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? यमुना के किनारे बसा हुआ शहर, यानी कि यमुनानगर। हम बात करें यहां पे कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, कोई बताएगा? यमुनानगर जिला कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? यमुनानगर जिला कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1768। और भाई और भी बताओ, और बच्चे पता है किसी को? जिन्होंने क्लास लगा रखी है वो तो कर लो, जिन बच्चों ने क्लास लगा रखी है वो तो बता दो क्या आंसर रहेगा। वीडियो तो सही चल रही है ना? वीडियो ऑडियो तो सही है? वीडियो तो सही चल रही है? तो एरिया की हम बात करें, कुछ बच्चों के आंसर आए हुए हैं 1768। बिल्कुल सही। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के एरिया की हम बात करें तो आपका आंसर रहेगा फिर कितना है? 1768 वर्ग किलोमीटर, 1768 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर है। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें यहां पे पॉपुलेशन कितनी, तो 2011 के अनुसार पॉपुलेशन कितनी, तो फिर आपका आंसर क्या है? 1,214,305, 1,214,305 इसकी पॉपुलेशन कब? 2011 के अनुसार। फिर हम बात करें तो तहसीलों की, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी तहसील है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी तहसील है, तो कौन सी रहेंगी? तो तहसीलों की हम बात करें तो तहसील कौन कौन सी रहेंगी, यहां शो हो रहा होगा ना? तहसील की हम बात करें तो जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर।
जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की चार तहसील हैं। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की चार तहसील हैं, जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हम बात करें, विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें, तो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से यहां पे, तो आपको आंसर करना है फिर एक तो रहेगा कौन, जगाधरी, और दूसरा रादौर। इसके बाद हम बात करें तो सढ़ोरा, और फिर रहेगा कौन सा, तो यमुनानगर। फिर रहेगा कौन सा, तो आंसर रहेगा यमुनानगर। जगाधरी, रादौर, सढ़ोरा और यमुनानगर, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के चार विधानसभा क्षेत्र हैं, जगाधरी, रादौर, सढ़ोरा और यमुनानगर। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करें कि यहां पे कौन कौन सी प्रमुख, यहां पे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं, हरियाणा टूरिज्म के द्वारा बनाए गए कौन कौन से यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। उनमें एक तो आप जानते ही हैं हथनी कुंड बैराज की हम बात करें, जिसे मच्छियारों का स्वर्ग कहा जाता है, मच्छियारों का स्वर्ग कहा जाता है, वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हथनी कुंड नामक जो स्थान है, जो आपका बैराज बनाया गया है, वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रहेंगे, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, हथनी कुंड बैराज, फिर ग्रेपिनेलियन और पिंटेल, ये रेस्टोरेंट्स। तो हथनी कुंड, ग्रेपिनेलियन और पिंटेल, ये आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख केंद्र रहेंगे। फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा की पेपर सिटी, हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है, तो आंसर रहेगा यमुनानगर को, पेपर सिटी यमुनानगर। अब देखिए यहां पे हम उद्योगों की बात करें, कागज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसी वजह से इसको पेपर सिटी बोला जाता है। और कौन कौन से प्रमुख उद्योग यहां पे स्थापित किए गए, कौन कौन से प्रमुख उद्योग यहां पे स्थापित किए गए हैं, तो पेपर मिल जो हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई, वो कब खोली गई थी, पेपर मिल की हम बात करें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, वो कब खोली गई थी, कलेसर, ताजेवाड़ा, तो देखिएगा सबसे पहले 1929 की हम बात करें, बिल्ट पेपर मिल,
बिल्ट पेपर मिल, या इसको बोलेंगे आप बेलारपुर पेपर मिल, बिल्ट पेपर मिल या बेलारपुर पेपर मिल, जो हरियाणा के कहां पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी स्थापना हुई 1929 में और यहीं पे स्थित है कौन सा स्टेडियम, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम ये भी कहां पे है, तो आंसर रहेगा यमुनानगर में। क्या बोल रहे हो भाई, शुगर मिल, गोला बारूद उद्योग का भी करेंगे हम, 60% यहां पे गोला बारूद डालने के लिए डिब्बों का निर्माण किया जाता है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम तो ये कहां पे, यमुनानगर में 1929 में। फिर हम बात करें 1933, 1933 सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल ये इसकी जो मुख्य ब्रांच थी वो तो कहां थी, लाहौर में, उसकी ही एक यूनिट यहां पे स्थापित की गई सरस्वती शुगर मिल। तो हरियाणा में कब लगी थी, 1933 में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम बात करें 1938 की, और ये हमारी कौन सी मिल, आपका आंसर रहेगा फिर भारत स्टार्च लिमिटेड, भारत स्टार्च लिमिटेड। स्टार्च यहां पे तैयार किया जाता है, और ये स्टार्च तैयार किया जाता है किससे, कॉर्न से, यानी कि मक्के से। तो भारत स्टार्च लिमिटेड कहां पे स्थापित है, तो आंसर रहेगा यमुनानगर में, जो 1938 में स्थापित की गई, और ये किससे संबंधित है, तो फिर मक्के के यहां पे स्टार्च किए जाते हैं, स्टार्च तैयार किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा शुगर, उसमें तीन टाइप की आपने शुगर पढ़ी होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो फिर शुगर को ही हम स्टार्च। फिर 1938 के बाद हम बात करें, तो आपने सुना होगा अब्दुल्लापुर के प्राचीन नाम से ही आजादी के समय में यहां पे लकड़ी की मार्केट बहुत फेमस थी, जिसे हम जानते हैं अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट के नाम से। तो अब्दुल्लापुर अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट टिम्बर होता है किससे, लकड़ी से, लकड़ी का जो उद्योग होता है उसे ही हम टिम्बर उद्योग बोलते हैं, वुड। तो लकड़ी का उद्योग अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट, तो आपको ध्यान रखना है कब, 1947 आजादी के टाइम पे। इसके बाद हम बात करें, तो अभी क्लर्क के पेपर में भी पूछा गया, एक आपका पूछा गया था किससे संबंधित, पेपर मिल से, एक कपड़ा मिल से, और एक रेलवे आपकी उद्योग है उससे। तो लिखिएगा रेलवे वैगन वर्कशॉप, रेलवे वैगन वर्कशॉप, तो ये कहां पे है, आपके किसी दोस्त या फिर रिलेटिव का अभी आरपीएफ के अंदर चयन हुआ पिछले वर्ष, तो उनमें से कुछ लोगों की तो ट्रेनिंग भी यहां पे हुई थी जगाधरी के अंदर। तो रेलवे वैगन वर्कशॉप कहां पे, जगाधरी में, जिसकी स्थापना हुई कब, 1952 1952 में, रेलवे वैगन वर्कशॉप जगाधरी।
1952 में इसकी स्थापना हुई। और वैगन क्या होता है आपने सुना होगा, कोच, कोच नंबर एक, कोच नंबर दो, यानी कि कोच होता है जिसमें सवारी गाड़ी का जो डिब्बा होता है उसको हम कोच बोलते हैं, परंतु मालगाड़ी का जो डिब्बा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैगन बोलते हैं, वैगन नंबर एक, वैगन नंबर दो। तो ये यहां पे है आपके जगाधरी में, जो स्थापित हो कब, 1952 में, 1952 में। इसके बाद हम बात करें हरियाणा, डिस्टलरी, हरियाणा डिस्टलरी, अब ये क्या चीज है डिस्टलरी, जिसकी स्थापना हुई 1969, जिसकी स्थापना हुई 1969, ये है क्या चीज। तो ये चीज जिसको आप बखूबी जानते होंगे और आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध हरियाणा के अंदर, और ये वो है जगाधरी नंबर वन। जगाधरी नंबर वन यानी कि जो शराब आती है उसकी जो फैक्ट्री है, हरियाणा डिस्टलरी के नाम से 1969 में स्थापित की गई, जहां से बनती थी कौन सी शराब, जगाधरी नंबर वन। फिर हम बात करें यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड, तो ये उद्योग कब स्थापित किया गया, तो आपको आंसर ध्यान रखना है कितना, 1973। यमुना गैस लिमिटेड जो उद्योग है वो कब स्थापित किया गया, तो आपको आंसर रखना है 1973, 1973 में। ये गैस और केमिकल से संबंधित आपका जो कारखाना स्थापित किया गया है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये किया गया है कब, आपका आंसर है ये 1973 में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलें, तो देखिए इसके बाद अभी एचटेट के पेपर में पूछा गया कि टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान है, यानी कि है का मतलब क्या समझते हैं आप, था मतलब होता तो कुछ और होता आंसर, है तो मतलब कुछ और है आंसर। तो अपने नाम सुना, अपने नाम सुना, टोपरा इंस्क्रिप्शन, टोपरा इंस्क्रिप्शन, टोपरा अभिलेख के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हैं कि ये किससे संबंधित था, तो सम्राट अशोक से संबंधित। ये जो अभिलेख था वो किससे संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित। कौन सी भाषा में लिखा हुआ, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ और ब्राह्मी लिपि में, किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में यह लिखा हुआ अभिलेख जो टोपरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ये जगह है, ये पहले तो आया करती थी कहां पे, अंबाड़ा में, लेकिन वर्तमान में ये जगह ये कहां पे, यमुनानगर में। यमुनानगर, तो टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान है का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि यमुनानगर में है, और था पहले पूछेगा तो फिर किस में, तो हम करेंगे ये अंबाड़ा में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कहां पे है, यमुनानगर में है। आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था,
अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और वो पढ़ा कब? 1837, 1837 में। और इस टोपरा इंस्क्रिप्शन को और मेरठ इंस्क्रिप्शन, यानी कि टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को, दोनों को उठा के यानी कि उखड़वाकर फिरोज शाह तुगलक इनको ले जाता है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली में इनको फिरोज शाह कोटला में गड़वा देता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि टोपरा अभिलेख को कौन उखाड़ के लेगा यहां से, तो आपका आंसर है फिर फिरोज शाह तुगलक। और कब? तो 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी में इनको फिरोज शाह तुगलक यहां से उठा के ले गया। कहां पे? दिल्ली। तो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख इन दोनों को उठा के ले गया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखिए, एक जगह पड़ती है सूद नामक जगह है, एक जगह है यमुनानगर में सूद नामक जगह है, जहां पे 12 खड़ी से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है। जहां पे 12 खड़ी से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है, और डॉक्टर केसी यादव ने कहा है कि ये जो अभिलेख है वो 2री शताब्दी के आसपास का सबसे प्राचीन अभिलेख है। 12 खड़ी का 2री शताब्दी के आसपास का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। किसके अनुसार? डॉक्टर केसी यादव के अनुसार। टोपरा में एक आपने अभी सुना होगा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र पांच जनवरी 2019 को जिसको स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया है, वो टोपरा कला गांव यमुनानगर में स्थापित किया गया है। टोपरा कला गांव के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, टोपरा कला गांव यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया है, जिसे भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो यहां पे नर नारायण गुफा, तो कौन सी गुफा है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में? नर नारायण गुफा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नर नारायण गुफा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कैसे हैं भाई कुलदीप? तो नर नारायण गुफा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको आंसर करना है ये हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। नर नारायण गुफा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आपको आंसर करना है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये किस गुरु से संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, और यही वो स्थान है जब 1687-88 में हिमाचल प्रदेश से
गुरु गोविंद सिंह जी मुस्लिमों के साथ युद्ध जीत के आए थे और इसी स्थान पे आके उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को क्या किया था, साफ किया था। यही कपाल मोचन वो जगह है जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र को साफ किया था। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा ये गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। फिर हम बात करें एक प्रमुख रिवर हमारी जिसको हम जानते हैं सरस्वती के नाम से, तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हरियाणा में कहां पे, यानी हरियाणा में उसकी एंट्री कहां से होती है? आपका आंसर है फिर वो कहां पे, तो आदि बद्री में। कहां पे? आदि बद्री, यमुनानगर। सरस्वती रिवर का उद्गम स्थान यानी कि हम किसको मानते हैं? आदि बद्री को। आदि बद्री जो यमुनानगर में है, इसकी जो खुदाई का कार्य है वो हो रहा है कहां पे? मुगलावली गांव में, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहीं पे आपने देखा हो 27 से 29 जनवरी 2020 को आयोजन हुआ किसका? सरस्वती समारोह का। किसका आयोजन हुआ? तो सरस्वती समारोह का 27 से 29 जनवरी तक यहां पे सरस्वती समारोह का आयोजन हुआ। किस स्थान पे? आदि बद्री नामक स्थान पे। फिर एक बोर्ड का गठन यहां पे किया गया है, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, सरस्वती विकास बोर्ड, जिसका गठन हुआ कब? 12/10/2015 को। 12/10/2015 को सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन हुआ और इसके चेयरमैन कौन है, तो यानी कि इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर रहेगा प्रशांत भारद्वाज। तो इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन, तो आंसर रहेगा सीएम मनोहर लाल। और उपाध्यक्ष कौन, तो प्रशांत भारद्वाज। फिर इसके बाद हम बात करें तो हमारी सेना के लिए जो गोला बारूद बनता है उनके रखने के लिए जो डब्बे बनाए जाते हैं, जो खोल होते हैं लाइक संदूक टाइप जो बॉक्स बनाए जाते हैं, तो वो हरियाणा के कौन से जिले में बनते हैं? तो गोला बारूद बनाने के या गोला बारूद रखने के 60% बक्सों का निर्माण, बॉक्सेज का या डिब्बों का निर्माण, गोला बारूद रखने के लिए डिब्बों का निर्माण, गोला बारूद डिब्बों का निर्माण 60% हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो आपका आंसर है फिर वो होता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण होता है। या तो किसी को कोई दिक्कत?
और इसी सरस्वती रिवर से संबंधित एक स्कीम लॉन्च की गई थी, वो भी यमुनानगर से, और वो स्कीम कौन सी थी? सरस्वती पुनरोद्धार योजना, सरस्वती पुनरोद्धार योजना 21 अप्रैल 2015, 21 अप्रैल 2015 को सरस्वती पुनरोद्धार योजना शुरू की गई, जो कहां से की थी? तो आंसर रहेगा हुलाहेड़ी गांव, यमुनानगर से संबंधित, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और इसको शुरू किया था किसने? तो कंवरपाल गुज्जर के द्वारा, कंवरपाल गुज्जर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया सरस्वती नदी के संबंध में। और एक व्यक्ति का नाम आपको आपने सुना होगा, दर्शन लाल जैन, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2019 में। दर्शनलाल जैन को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2019 में, किसके संदर्भ में? तो सरस्वती नदी के रिलेटेड, इन्होंने सरस्वती विकास संस्थान उसके लिए इन्होंने काम किया है, उसके लिए लगातार ये 1999 से कार्यरत हैं, तो इसी संदर्भ में उनको दिया गया है कौन सा अवार्ड? तो आंसर रहेगा फिर पद्म विभूषण अवार्ड 2019 का दिया गया है किसको? दर्शनलाल जैन को। इसके बाद हम देखें तो यहां पे एक बहुत ही प्राचीन इमारत है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, बुद्ध धर्म से संबंधित जो इमारत है, धार्मिक इमारत जिसको हम कहते हैं, हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी? तो आंसर होगा फिर आपका चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप चनेटिका स्तूप आपने ऐसे देखा होगा, बुद्ध धर्म में ऐसे बना होता है, दिस इज स्तूप, और इसे हम कहते हैं क्या, हरनामिका, जो इस स्तूप के ऊपर बना हुआ होता है इस प्रकार से, उसको हरनामिका बोला जाता है। और ये किस धर्म से संबंधित? तो बुद्ध धर्म से संबंधित, और कहां पे है? तो आंसर रहेगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हम बात करें फॉरेस्ट में, वनों में सबसे ज्यादा जो वन है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आंसर रहेगा पंचकुला में है। और दूसरा स्थान अगर किसी का है तो वो किसका है? फिर हरियाणा के यमुनानगर जिले का है, यमुनानगर जिले का है। हरियाणा के यमुनानगर जिले का
तो आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन, हम पढ़ेंगे एक दिन फॉरेस्ट वाला टॉपिक भी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चेंज हो गए हैं। जैसे कि आप पढ़ते थे हरियाणा के कौन से जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो आप पढ़ते थे परसेंटेज में फतेहाबाद, और वर्ग किलोमीटर में हम पढ़ते थे पानीपत। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। क्योंकि जो हमारा वन सर्वेक्षण विभाग है वो कहाँ पे स्थापित है, तो आपका आंसर है देहरादून में, जो प्रत्येक 2 वर्ष में एक रिपोर्ट पेश करता है। और 2019 में उसने रिपोर्ट पेश की, तो उसमें बताया गया कि हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वन क्षेत्र में वन है, और सबसे ज्यादा किसमें, पंचकुला में, झाड़ियों में आप पढ़ते थे गुड़गांव। लेकिन नई फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या दिया गया है, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा झाड़ियां हैं। तो कुछ चीजें चेंज हो गई हैं आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो हम करेंगे। तो फॉरेस्ट में हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का जो आपका दूसरा स्थान है। चलिए आगे, इसके बाद हम बात करें आपने एक क्वेश्चन पढ़ा हो, क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन थैंक यू ब्रो। तो देखिए इसके बाद हम बात करें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में। बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल, या हम इसको बोलते हैं बीरबल का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका आंसर रहेगा यमुनानगर। क्योंकि यमुनानगर में एक कस्बा है जिसका नाम है क्या, बुढ़िया। तो बुढ़िया का रंग महल या बुढ़िया का रंग महल कहां पे है, तो आपका आंसर है यमुनानगर में है। यमुनानगर के छछरौली, यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम में सर्वाधिक वर्षा का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो हरियाणा के अंदर वो किया गया है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के छछरौली नामक स्थान में। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है फिर हरियाणा की चेरापूंजी। क्योंकि भारत में सबसे पहले, यानी कि अब मानसिंहग्राम से पहले सर्वाधिक वर्षा कहां पे हुआ करती थी, तो आपका आंसर चेरापूंजी हुआ करता था। तो उसी वजह से हरियाणा के छछरौली को क्या कहा जाता है, हरियाणा के छछरौली को कहा जाता है हरियाणा की चेरापूंजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो यहां पे एक थर्मल पावर स्टेशन है ना, यमुनानगर में एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी स्थापना 2008 में हुई, और जिसकी उत्पादन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। तो वो किस नाम से है, दीन बंधु छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, जिसको 2008 में स्थापित किया गया और जिसकी उत्पादन क्षमता है कितनी, 600 मेगावाट।
जिसकी उत्पादन क्षमता है कितनी, 6000 यानी कि 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता है दीन बंधु छोटू राम की, जो थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर में। इसी डिस्ट्रिक्ट में यमुना नहर के ऊपर, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर यमुनानगर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी कि जल विद्युत तैयार की जाती है, जल से बिजली बनाई जाती है। और वो जो ऐसा किया जा रहा है बिजली का उत्पादन, वो किया जा रहा है कहां पे, तो यमुनानगर में। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पश्चिमी यमुना जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, पश्चिमी यमुना जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा फिर? आपका जो आंसर है वेस्टर्न यमुना कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्टर्न यमुना कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेंटर जो खोला गया है, केंद्र जो खोला गया है, वो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया, और वो कब, 1986 में। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी है, तो 62.40 मेगावाट, 62.40 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अभी सौर ऊर्जा से संबंधित सौर विद्युत सेंटर या सौर विद्युत केंद्र कहां पे खोला गया है, तो आपका आंसर रहेगा बूदकला यमुनानगर। हरियाणा में कहां पे सौर विद्युत केंद्र खोला गया है, तो बूदकला यमुनानगर। बट हरियाणा में पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पे खोला गया है, तो आपका आंसर रहेगा ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय नौलत्था पानीपत। जवाहर नवोदय विद्यालय नौलत्था पानीपत। सौर विद्युत केंद्र कहां पे खोला गया, तो भूतकला में भाई, गुड़गांव में। क्या है वो, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का जो हेड ऑफिस है वो हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है, और जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंको ओलांद के द्वारा। तो जो गुड़गांव आप बता रहे हैं, वो इसी वजह से गुड़गांव को सौर ऊर्जा का हब बोला जाता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हम करेंगे अभी तब तक बातें करते हैं। किस चीज के लिए? नो सर, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? और जिन बच्चों का कल ग्राम सीयू का पेपर है, उनको बेस्ट ऑफ लक कि वो अच्छे से अपना एग्जाम करें। और मैं यही दुआ करता हूं कि भाई आप सभी का एग्जाम अच्छे से हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। 10 तारीख को सिरसा मॉर्निंग शिफ्ट, सही है भाई?
इसके बाद हम अभी करेंगे इसके मंदिर और मेले। अरे किसका नो सर, किस चीज के लिए बोल रहे हैं आप नो सर? ओके ओके, लिखिएगा यहां के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। एक तो यहां का बहुत ही फेमस मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर बिलासपुर। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पे है? तो आंसर रहेगा बिलासपुर यमुनानगर, जहां पे हनुमान जी की पांच मुखों की मूर्ति स्थापित है। आप मेरे को यह क्वेश्चन बताइए कि हरियाणा का वो कौन सा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति स्थापित की गई है। हरियाणा का वो कौन सा एकमात्र मंदिर है जहां पे भगवान शिव की पांच मुखों की मूर्ति स्थापित की गई है? फिर हम आगे करते हैं, बताइए। किसी को हरियाणा के कौन से मंदिर में भगवान शिव की पांच मुखों की यानी कि पंच मुख मूर्ति स्थापित की गई है? वो मंदिर कौन सा है? जल्दी से बताओ आंसर। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? पलवल में पंचमुखी मंदिर तो है। अरे वो पंचमुखी नहीं है, पंचवटी है। वो तो पंचवटी मंदिर है पलवल में। पंचमुखी आपका शिव मंदिर जो है वो पशुपति महादेव मंदिर पेहवा में है। पशुपति महादेव मंदिर पेहवा में है जहां पे भगवान शिव की पांच मुखों की मूर्ति स्थापित की गई। चलो देखते हैं, अब हम इसके मंदिर मेले और प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और देख लेते हैं। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर बिलासपुर, आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर ये भी कहां पे पड़ेगा? तो आपका आंसर रहेगा बिलासपुर में। फिर लक्कड़हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर आपका पड़ेगा तो ये कहां पे? आपका आंसर रहेगा जगाधरी यमुनानगर। लक्कड़हारे के नाम से मंदिर है, लक्कड़हारा मंदिर जगाधरी यमुनानगर। और हम बात करें सूर्यकुंड मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर अमादलपुर यमुनानगर।
कालेश्वर महादेव मंदिर कहां पे? तो आपका आंसर रहेगा ये कलेसर जंगल में है, यानी कि कलेसर यमुनानगर। कालेश्वर महादेव मंदिर कहां पे? तो आंसर रहेगा कलेसर यमुनानगर। ये आपको यहां से ध्यान रखने हैं मंदिरों के नाम, कौन कौन से यहां पे मेले लगते हैं। पंचमुखी मेला, बिलासपुर, यमुनानगर, कपाल मोचन मेला, बिलासपुर, यमुनानगर। कपाल मोचन मेला, बिलासपुर, यमुनानगर। इसके बाद हम बात करें यहां से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति बिलोंग करते हैं, यहां से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति बिलोंग करते हैं, तो उनमें नाम रहेगा किसका? संजीव राजपूत। संजीव राजपूत। और ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? यमुनानगर। और ये अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं, किस गेम से संबंधित? तो आपका आंसर रहेगा शूटिंग से संबंधित। शूटिंग से संबंधित जो खिलाड़ी हैं संजीव राजपूत, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। वेद गांधी। वेद गांधी जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं, फिल्म निर्माता। सुनील दत्त, आपके जो संजय दत्त एक्टर हैं उनके पिताजी सुनील दत्त, जिनका रियल नाम यानी कि वास्तविक नाम बलराज, जिनका वास्तविक नाम क्या है? बलराज। तो सुनील दत्त या बलराज दत्त हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले, जो किससे संबंधित है? फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत को वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में पदक दिलाने वाली, भारत को वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाने वाली पहली जो महिला है वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध तो कहां से? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी जो मैरिज है वो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हो रखी है, तो इसी वजह से इनका जो संबंध है वो कहां से है? हरियाणा के यमुनानगर जिले से इनका संबंध है। फिर हम और देख लेते हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पेपर के अंदर, जैसे कि चौधरी देवीलाल नेचुरल पार्क, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क या फिर रुद्राक्ष वाटिका। रुद्राक्ष वाटिका, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क या फिर रुद्राक्ष वाटिका हरियाणा में कहां पे है? चुहरपुर नामक स्थान पे, जो यमुनानगर में पड़ता है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क या फिर रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जाना जाता है, ये कहां पे? चुहरपुर यमुनानगर में, हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक पार्क है। यह हरियाणा का पहला प्राकृतिक पार्क कहां स्थापित किया गया? तो आंसर है फिर यमुनानगर में।
आपसे पूछ लिया जाए कि एलिफेंट से संबंधित, एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर, हाथी प्रजनन केंद्र या हाथी संरक्षण केंद्र, तो आपका आंसर रहेगा कहां पे? बसंतोर यमुनानगर। एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर, हाथी प्रजनन केंद्र कहां पे? तो आपका आंसर रहेगा ये बसंतोर नामक स्थान पे, यमुनानगर में। और हम बात करें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की, आप सभी लोग जानते हैं कि कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य, पशु आपका पूछा जाए कि कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर आपसे पूछे कि कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कब बना? तो 1996, 1996 में। लेकिन कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 2003 में। और इसी कलेसर घाटी में कौन से वन पाए जाते हैं? तो साल के वन पाए जाते हैं, इसी कलेसर घाटी में साल के वन पाए जाते हैं। अब ये आप क्या पूछ रहे हैं भाई कि पेपर की पीडीएफ ग्राम सचिव के लिए? एक बार फिर से अपना कमेंट लिखें सही से कि क्या आप इसको पूछ रहे हैं। क्या आप पूछ रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आया। संदीप बुरा सर, ग्राम सचिव के लिए पेपर की पीडीएफ कहां से? मतलब कि एक ये भी सुना होगा ना आपने, व्हाइट स्टैचू स्थापित की गई है भगवान हनुमान जी की, और जिसे जाना जाता है किस नाम से? चिट्टा मंदिर के नाम से, जो यमुनानगर में पड़ता है। ये हरियाणा में ऐसा एक ही मंदिर है जहां पे हनुमान जी की सफेद मूर्ति स्थापित है। कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि हनुमान जी की सफेद मूर्ति किस मंदिर में स्थापित की गई है, तो आंसर रहेगा फिर चट्टा मंदिर यमुनानगर। तो ये हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुआ। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट हो, इसके रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा, किसी को कुछ पूछना हो या कुछ रह गया हो। तो जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, क्या पूछ रहे हैं भाई आप? अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर है ये यमुनानगर का प्राचीन नाम है। अब्दुल्लापुर है ये हरियाणा के यमुनानगर का प्राचीन नाम है। और लिख लीजिएगा साथ में, जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था? आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर रहेगा फिर युगंधर। जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? तो युगंधर के नाम से। और यमुनानगर को किस नाम से? तो आपका आंसर रहेगा फिर यमुनानगर को जाना जाता था अब्दुल्लापुर के नाम से। यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पे होता है? यमुनानगर में होता है। हरियाणा की नकदी फसल कौन सी है? तो भी आपका आंसर गन्ना है, क्योंकि नकदी फसल में गन्ना और कपास दोनों आते हैं, जिनको सिर्फ पैसे के लिए बोया जाता है कि भाई बेच के अच्छा पैसा कमाया जा सके,
और उनमें भी कपास और गन्ने में ज्यादा कौन बोया जाता है? गन्ना बोया जाता है, और वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब देखिए, जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं की है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, किस नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, एसके क्लासेस लाइव के नाम से आप सर्च करोगे प्ले स्टोर के अंदर, वहां पे आपको ऐप मिलेगी, और वहां पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक बैच जिसको जीएस बैच के नाम से लिखा मिलेगा वहां पे, और इसी जीएस के बैच में आपकी इंडिया जीएस और प्लस में हरियाणा जीएस दोनों आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। वहां पे मेरी लगभग 10-11 क्लास हो चुकी होंगी आपके ऊपर, और इसका जो प्राइस रखा गया है वो 999 है, यानी कि 1,000 रुपये है, 999 रुपये है। और पहले की जो क्लास है वहां पे तो डेमो के रूप में 5-6 क्लास वहां पे आपको मिलेंगी भी कि किस प्रकार से आपकी जो क्लास है वो चल रही है वहां पे। तो ये सारी चीजें आप करिएगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में। अगर किसी का कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन आपने पढ़ा है यमुनानगर से तो वो मुझसे शेयर कर लीजिए। आपसे कभी ये पूछा जाए कि सोम सरोवर तीर्थ हरियाणा में कहां पर है? सोम सरोवर तीर्थ हरियाणा में कहां पर है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? यमुनानगर में। सोम सरोवर तीर्थ हरियाणा में कहां पे है? तो आंसर है यमुनानगर। चलो, हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुआ, तो करिएगा इसको, बाकी काम अगली क्लास में करते हैं। अब्दुल्लापुर किसका नाम है? अब्दुल्लापुर यमुनानगर का प्राचीन नाम है। अब्दुल्लापुर यमुनानगर का प्राचीन नाम है, और युगंधर जगाधरी का प्राचीन नाम है। और लिख लो भाई, यमुनानगर में एक कस्बा मैंने आपको बताया कि बुढ़िया नामक कस्बा है, जिसको बुढ़िया के नाम से जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम क्या है? ये आपको मिलेगा कई जगह पे, शुभ शंकु। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर, जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर, और बुढ़िया नामक कस्बे का प्राचीन नाम शुभ शंकु। तो चलिएगा, बाकी का हम आगे आपकी जो क्लास होगी उसमें करेंगे। देखते हैं, एक दो डिस्ट्रिक्ट में आपको और करवाऊंगा यहां पे। आज ये क्लास आपकी ऐप के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी दोनों जगह पे चलाई गई है, तो इसी वजह से आपको ये यूट्यूब पे शो हो रही है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।